आपका समीकरण है, इस समीकरण का नाम हो जाएगा हुंसुडीकरण अभिक्रिया। समीकरण का नाम क्या हो जाएगा? हुंसुडीकरण अभिक्रिया। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखते हैं हुंसुडीकरण अभिक्रिया। इस रासायनिक समीकरण को हम देख रहे हैं हुंसुडीकरण रासायनिक अभिक्रिया। हुंसुडीकरण रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, जब सिल्वर बेंजोएट, आप समझ रहे होंगे बेंजोएट के लिए हम लिखेंगे C6H5COO और सिल्वर के लिए लिखेंगे आप Ag। जैसे सिल्वर बेंजोएट यानी C6H5COO और Ag। जब सिल्वर बेंजोएट, तो ये आपका जो फॉर्मूला दिया गया है ये किसका हो जाएगा, सिल्वर बेंजोएट का हो जाएगा। जब सिल्वर बेंजोएट जो आपका होता है ये ब्रोमीन के साथ क्रिया करता है, ब्रोमीन यानी क्या हो जाएगा, Br2 हो जाएगा। किसकी उपस्थिति में क्रिया होती है, CCl4 की उपस्थिति में क्रिया होती है। CCl4 यानी क्या होता है आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 को आप क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। तो जब सिल्वर बेंजोएट ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्या करता है, क्रिया करता है, तो ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ब्रोमोबेंजीन। एक Br यहाँ से निकल कर किसके साथ लग जाता है, C6H5 के साथ लग जाता है, और ये किसका निर्माण करता है, C6H5Br यानी क्या हो गया, ब्रोमोबेंजीन का निर्माण करता है। अब यहाँ से एक जो Ag बचता है ये किसके साथ क्रिया करता है, Br के साथ। अभी एक Br शेष बचा हुआ है, तो AgBr के साथ क्रिया करता है, तो किसका निर्माण करता है, यहाँ पर AgBr का निर्माण करता है। और यहाँ पे आप देखेंगे अभी क्या बचा हुआ है, यहाँ पर ये बचा हुआ है CO2, तो प्लस में क्या बन जाएगा आपका, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यहाँ पे क्या होता है, निर्माण होता है। और ये जो रिएक्शन होती है ये आपकी लगभग 343 केल्विन टेम्परेचर की उपस्थिति में होती है। तो ये जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया थी, इस रासायनिक अभिक्रिया को आप क्या कह रहे थे, हुंसुडीकरण रासायनिक अभिक्रिया कह रहे थे, या हुंसुडीकरण रासायनिक समीकरण इसको हम कहते हैं। भाषा हमें कैसे बनानी है, जब सिल्वर बेंजोएट, Ag को आप क्या कहते हैं, सिल्वर, और C6H5COO को हम क्या कहते हैं, बेंजोएट कहते हैं। तो यहाँ पे आपका समीकरण बनता है, जब सिल्वर बेंजोएट किसके साथ क्रिया करता है, ब्रोमीन के साथ क्रिया करता है, और ये जो क्रिया होती है किसकी उपस्थिति में होती है, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया होती है। कितने टेम्परेचर पर होती है, 343 केल्विन ताप पर होती है। तो यहाँ पे किसका निर्माण होता है, ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है, यानी C6H5Br, ये आपका ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। साथ में क्या बनता है, AgBr बनता है, और प्लस में क्या निकल जाएगी आप यहाँ से, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है।